नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं शिवा प्रजापति आर्ट। आज हम बात करने वाले हैं बंगाल शैली के कुछ प्रमुख चित्रों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो चित्र है यात्रा का अंत, ये अमरेंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया है। चलिए मैं इस चित्र को आपको दिखाता हूँ कैसा बना हुआ है। सो आपको यह चित्र दिखाई दे रहा होगा, चित्र का नाम है यात्रा का अंत, चित्रकार है अमरेंद्रनाथ टैगोर, माध्यम है कागज पर जल रंग, समय है 1937 ईस्वी में, काल है आधुनिक तकनीक है टेम्परा, और संग्रह राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में। चलिए इस चित्र के बारे में पढ़ते हैं। इस चित्र को अमरेंद्रनाथ टैगोर ने 1937 ईस्वी में जल रंगों की बांस एवं टेंकरा विधि से चित्रित किया था। बंगाल पत्रिका प्रभास में प्रकाशित होने के बाद कला की समान कृति को पहली बार पहचान मिली। इस चित्र में ऊंट को पीले भूरे रंग से तथा उसकी पीठ पर लदे भारी भरकम सामान को नीले काले भूरे व पीले रंग का उचित संयोजन करके रस्सियों से बंधा हुआ दिखाया गया है। थके हारे व भूखे प्यासे ऊंट की मनोदशा व कष्टों को उसकी अधिक खुली आँखों से निहाल परे निढाल परे शरीर से यात्रा कांत के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। उसकी पीठ पर लदा भारी बोझ मालिक द्वारा किए जा रहे चरम शोषण पर जुल्मों का प्रतीक है। फिर भी ये जानवर अपने मालिक के प्रति वफादार बने रहना चाहता है, इसलिए पूरी हिम्मत व साहस के साथ वह फिर से उठने का प्रयास करता है। ऊँट की इस मुद्रा व छवि को स्पष्ट करने के लिए कलाकार ने उसके नीचे के पत्थरों को नीले रंग की आवा प्रदान की है। पृष्ठभूमि में लाल पीले व भूरे रंग के उचित संयोजन से सूर्यास्त के समय रेगिस्तान के वातावरण में जो लालिमा दिखाई पड़ती है उसका वास्तविक एहसास इस चित्र के माध्यम से कराया गया है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक